नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज में। मैं हूं अर्जुन सिंह। तो दर्शकों, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दिव्य धर्म यज्ञ दिवस ये 3 दिवसीय महासमागम चल रहा है। तो दर्शकों, यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह का कार्यक्रम रखा हुआ है और यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं वो अपने गुरुदेव के आज्ञा अनुसार दहेज मुक्त विवाह करते हैं। यहाँ पर एक ऐसा विवाह होंगे जिसमें ना कोई बैंड होगा, ना बाजा होगा, ना कोई बारात होगी। सिर्फ जो घर के लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो इस दहेज मुक्त विवाह को संपन्न करेंगे। और यहाँ पर हमारे बीच में, अगर कैमरा पर्सन से कहूंगा एक बार घुमा के दिखाएं, जो लड़की पक्ष है, जो लड़के पक्ष से हैं, वो सभी यहाँ पर आके बैठ चुके हैं। अभी कुछ ही देर में जो है विवाह का प्रोग्राम यहाँ पर स्टार्ट किया जाएगा। तो दर्शकों, जैसा कि यहाँ पर 4 जोड़ों की जो है शादी यानी कि रमैणी होने वाली है। अभी एक जोड़े और हैं, उनसे हम जानेंगे। उनके परिवारजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो उनकी शादी होने वाली है। सर नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? दिनेश कुमार। सर, आप लड़की पक्ष से हैं? लड़के पक्ष? लड़की पक्ष से। तो सर, जो अभी ये यहाँ पे आपने, जैसे देखा जाता है समाज में घोड़े चढ़ के या फिर बैंड होता है, बाजा होता है, डीजे होता है, और आप इस एक सिंपल शादी कर रहे हैं अपनी लड़की की और दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं, तो सर कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है। ऊंच नीच का भेदभाव खत्म हो रहा है, सब एक समान है, बस अच्छा लग रहा है। तो सर, जैसा कि अभी आप यहाँ पर हमारे साथ आए हैं और यहाँ पर अभी जो आप लड़की वाले हैं, और तो आप क्या 1 रुपए भी दहेज नहीं देंगे? नहीं साहब। ऐसा क्यों है सर? जैसा गुरु जी की इच्छा है। तो अभी आपका कहने का मतलब यह है कि जो आप जिसके घर में आपकी बच्ची जिस घर में जा रही है वो गुरु जी से जुड़े हुए हैं? आप नहीं जुड़े हुए अभी तक? तो सर, जो ये दहेज मुक्त विवाह यानी कि जो दहेज रूपी राक्षस को मारने की मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने छेड़ी हुई है, क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना भी चाहिए। तो सर, इस बात की आपको श्योरिटी है कि आपकी बेटी इस घर में जाके खुश रहेगी? खुश रहेगी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है सर आपका? नीरज। आप लड़की पक्ष हैं, लड़के पक्ष? लड़की पक्ष है। किसकी जो बच्ची है आपकी, कौन लगती है? लड़की लगती है हमारी। तो सर, जैसा कि आप देखते हैं समाज में, आपने यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह में आज आपने पार्टिसिपेट किया है, तो जैसे समाज में देखा जाता है लोग बैंड बाजा या फिर अन्य खर्च, फजूल खर्चियां करते हैं, आपने उस चीज को ना करके ये एक शांति पूर्वक और बिना आडंबर की जो यहाँ पे शादियां हो रही है, इसके पीछे का क्या रीजन है सर? सर, मुझे सबसे अच्छा लगा, इसमें कोई इसमें भेदभाव नहीं और सब बढ़िया तरीके से। तो सर, आप कोई दहेज नहीं देंगे यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं। तो सर, इस बात की क्या आपको श्योरिटी है कि अगर आप दहेज नहीं देंगे कल के आपकी लड़की को सताया नहीं जाएगा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होगा जी। तो सर, आप जो यहाँ पर जिससे आपकी शादी हो रही है आपकी बच्ची की, वो क्या जुड़े हुए हैं यहाँ पे? हाँ जी सर, वो भी जुड़े हुए हैं। अभी आप लोग नहीं जुड़े हुए हैं? अभी हम लोग जुड़े नहीं हैं। ठीक है, तो और आपको कैसा लग रहा है कि आप, क्या आपने कभी सोचा था कि इस तरह से आने वाले टाइम में बच्चों की शादियाँ संपन्न होंगी? शादी ऐसे ही होनी चाहिए जी। और जो संत रामपाल जी महाराज जी का योगदान है, जो आज समाज में जो दहेज रूपी राक्षस को खत्म करने की मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने छेड़ी हुई, क्या कहेंगे इस बारे में? उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है जी, और होना ही चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम यहाँ पे जो लड़की पक्ष से हैं वहाँ पर हम बैठे हैं और इनकी लड़की की शादी है, आइए इनसे जानते हैं इनके विचार। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? राजकुमारी। आप लड़की वाले हैं? हाँ। आपकी लड़की की शादी है? हमारी लड़की की शादी है। तो मैम, आप कितना दहेज यहाँ पे दे रहे हैं लड़के वालों को? कुछ भी नहीं। तो मैम, ऐसा ये सब प्रेरणा कहाँ से मिली आपको, जो बिना दहेज के इतने सिंपल शादी हो रही है यहाँ, ये प्रेरणा कहाँ से मिली मैम? हमारे ऐसा ही हमें पता लग गई। तो जो लड़के वाले हैं वो संत रामपाल जी से जुड़े हुए हैं और उनका वो दहेज नहीं मांग रहे, 1 रुपए की बेटी मांग रहे? नहीं, 1 रुपए की भी नहीं। तो मैम, आपको कुछ भी नहीं। तो मैम, जैसे कल को वो आपको बेटी को प्रताड़ित करेंगे कि दहेज नहीं लाए, ऐसा कुछ हुआ तो कोई क्या आपको यकीन है कि ऐसा कुछ नहीं, आपकी बेटी सुखी रहे? नहीं, कुछ भी नहीं कहेंगे, कभी भी नहीं कहेंगे। तो आपको कैसा लग रहा है मैम? अभी लोग देखते हैं डीजे बजाते हैं, बहुत सारी तैयारियां करते हैं, यहाँ पे बिल्कुल 17 मिनट में आपकी बेटी की शादी हो जाएगी जिसको यहाँ पे रमैणी बोला जाता है, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, हमें खुश है, हम खुश हो आप? हाँ, हमें आपकी बच्ची, आपकी बच्ची खुश है? हाँ, बेटी भी खुश है। परिवार जन हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो ये दहेज मुक्त विवाह का जो इन्होंने ये मुहिम छेड़ रखी है, उसमें जो लोग आके जुड़ रहे हैं, शादियां कर रहे हैं, अपने बच्चों की शादियां कर रहे हैं, वो लोग कितने खुश हैं इस चीज से, उन्हीं से जानते हैं। मैम नमस्कार। क्या नाम है आपका? पार्वती दासी। तो मैम, अभी आप लड़की, आपकी लड़की है जिनकी शादी होनी है? लड़की है। कहाँ से हैं आप? एमपी से।
तो मैम आप ये जो दहेज मुक्त विवाह यहाँ पे अपनी लड़की का कर रहे हैं, ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? जी हमको कोई दहेज ना लेना है ना देना है, ये बात नियत है। ऐसा क्यों, दहेज लेना देना क्यों नहीं है, इसके पीछे का क्या रीजन है? हमको नहीं, हमको परमात्मा के आदेश पे चलना है माला, सतगुरु रामपाल जी महाराज। हाँ, परमात्मा आप यानी कि गुरु जी से जुड़े हुए हैं? हाँ हम महाराज जी जुड़े हैं, 2013 में नाम लिया था। तो अभी आप जिससे आपकी लड़की की शादी हो रही है वो लोग भी जुड़े हुए हैं? हाँ भगत जी, सारा परिवार माला की दया से पूरा जुड़ा है। तो आपको यकीन है कि आपकी बेटी जिस घर में जाएगी खुश रहेगी? हाँ भगत जी, बिल्कुल, माला की दया करेंगे, परमात्मा दया करेंगे। तो और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में जो संत रामपाल जी महाराज, देखो आप बेटियां बोझ नहीं है, पहले बेटियों को गर्भ में मार दिया जाता था क्योंकि उनको दहेज लिया जाएगा, दहेज दिया जाएगा, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे जो संत रामपाल जी महाराज ने कदम उठाया? पर आप मालक की दिया से, सब परमात्मा की दिया है मालक, हमको नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा इनकी भी बच्ची की शादी है और अभी यहाँ पर चार जोड़ों की शादी जो है संपन्न होने वाली है, और संत रामपाल जी महाराज जी के जो सामाजिक जो समाज सुधार का जो कार्य हो रहा है ये एक सराहनीय कार्य है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और आप देखते रहिए ऐसे न्यूज, अभी आप जी को सभी लाइव अपडेट यहाँ पर देते रहिए।